A machine can cut a some wood in 6 minutes, and a man using a handsaw could do it in 18 minutes. After 4 minutes, there is a power shortage and the wood must be cut by a handsaw. How many minutes must the man work to complete the task? अब आप देखेंगे यहाँ पे directly ratio मौजूद है कि ये machine का time है और ये by hand है. जो machine जिस काम को 6 मिनट में करती है उसको by hand 18 मिनट में किया जा रहा है. तो 4 मिनट के बाद पावर शॉर्टेज हुई, इसका मतलब है 2 मिनट का काम बच गया. क्योंकि 4 मिनट के बाद पावर शॉर्टेज हुई है तो 2 मिनट का काम बच गया. मशीन का ये 2 मिनट का काम बचा हुआ है तो बाय हैंड ये काम कितनी देर में होगा. जाहिर है मशीन ज़्यादा टाइम लगा रही है तो डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि दोनों एक ही तरह काम कर रहे हैं. अगर 6 से 18 है तो 12 से जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्वान्टिटी बढ़ जाती है. तो यहाँ पर ये डायरेक्ट रिलेशन है. एक्स ओवर 18 इज इक्वल टू 2/6 एंड एक्स इज इक्वल टू 2/6 मल्टीप्लाइड बाई 18 एंड दिस इज इक्वल टू 6 मिनट्स, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी. ये रेशो मेथड देखने, एरो डायग्राम मेथड और रेशो मेथड देखने के लिए आप रेलेवेंट टॉपिक यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन को स्टडी करें ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें.